पे मैं इधर पहुंच गया, सब लोग बैठ गए हैं। तो ये है यहाँ पे शोरबा, चावल, जूस, पानी, खजूर, सब लोग बैठ गए हैं। तो चलो आज मैडम के मदरसे में भी इफ्तारी कर लिया मैं। तो मैं मुर्गी लेके आ गया, बाकी मैं चेक कर रहा था कि खराब वगैरह तो नहीं ना है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी रात के बज रहे हैं 1, और पता नहीं अभी अचानक से बैंक वाली मैडम ने कफिल के घर पे बुलाया है, पता नहीं किधर जाएगी, क्या काम है। तो चलो चलते हैं, और बोलिए बिल्कुल जल्दी आओ। तो गाड़ी वगैरह गर्म करने की ज़रूरत नहीं, तो आप लोग जानती हो वो चिल्लाने लगती है। देखो 1:14 हो रहा है, रात हो रहा है, चलो जल्दी से निकलते हैं बिना गाड़ी गर्म किए, नहीं तो फिर चिल्लाने लगेगी कि मैं कब का बुलाई थी, अभी क्यों आ रहा है। तो देखो मैं पहुंच गया इधर कफिल के घर पे, अब देखते हैं इतने रात को 1 कहाँ जाएगी लोग, क्या काम है। तो ये कपड़ा दी है और लोकेशन दी है, वो मार्केट में जाना है, बाकी इसको बदल के ये 10 है 11 लेके आना है, तो वही चेंज करने जाना है ये कपड़ा बस। तो चलो चल के देखते हैं कहाँ का लोकेशन है। तो देखो 1:34 हो रहा है, मैं इधर पहुँच गया ये मार्केट में। देखो ये मार्केट है, मार्का पता नहीं क्या है। तो चलो ये पहुँचाते हैं, देखो ये इस पे पन्नी पे लिखा है, जो वही यहाँ पे लिखा है। चलो इसको बदलते हैं, 11 का ले लेते हैं। देखो ये है फ्रॉक है बच्ची का। तो इधर आया मैं तो बड़ा साइज नहीं है इस कलर में, दूसरे कलर में है, वो ऑरेंज वाला ख़रीद के लेके गई थी और वही चाहिए उसको। तो अभी मैं वीडियो भेजा हूँ, देखो क्या बोलती है। तो दोस्तों ये वाला ले लिया मैं, पर्पल कलर वाला, चलो इसको ले जाके पहुंचा देता हूँ मैं कफिल के घर पे। देखो ये है वो मार्केट, और जब मैं इंडिया जाने से पहले मैं इधर के रूम में रहा करता था। और कफिल ने अभी पैसे भेज दिए हैं मेरे अकाउंट में, तो अभी इधर रास्ते में निकाल लूंगा पैसा, बाकी जाके मैं दे दूंगा टेलर को। तो चलो ये यहाँ पे है ATM, यहाँ से मैं पैसे निकाल लेता हूँ। तो ये निकाल लिया मैं 50 रियल, बाकी 10 रियल है मेरे पास, 60 रियल देना है उनको। तो ये कपड़ा लेके आ गया मैं इधर कफिल के घर पे, चलो ये कपड़ा दे देता हूँ, और बैंक वाली मैडम को वो 35 रियल याद दिला देता हूँ, मुझे लग रहा है वो भूल गई है। तो अभी मैं जैसे रुक के वीडियो अभी बना ही रहा था, तब तक वो छोटी वाली मैडम बाहर आई अपने घर जाने के लिए, और उस समय जब मैं जा रहा था तो पीछे पीछे बैंक वाली मैडम अपनी फॉर्चूनर से पीछे पीछे आ रही थी। तो यहाँ पे एक रेड लाइट है, वो तो रूल से चलती है, तो बीच लाइन में उसको लेफ्ट जाना था, मुझे भी लेफ्ट ही जाना था, तो वो लेफ्ट में जाके रुकी, मैं राइट में जाके रुका आगे, तो मैं आगे निकल गया, बहुत भीड़ था लेफ्ट में, वो पीछे निकली, बंद हो गया रेड लाइट, मैं निकल गया। तो चलो अभी तो मैं ये कपड़ा दे दिया, मैसेज भी कर दिया हूँ मैं 35 रियल का बैंक वाली मैडम का, बाकी जो टेलर के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों ने कल का वीडियो में देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो वही कल मैडम का कपड़ा लेके गया था तो उधार लगाया था मैं टेलर का कि अभी ला के देता हूँ, तब से टाइम नहीं मिला था, तो अभी रात के 1 बुलाई थी मैडम, तो अभी जाके दे रहा हूँ मैं, ATM से निकाल लिया हूँ, और अभी मैसेज आ गया बैंक वाली मैडम लगता है पैसा भेज दिए, मैं चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ पैसा भेज दिए बैंक वाली मैडम। तो चलो अभी पैसा भेज दी,
और कफील भी भेज दिया था, वो भेजा था 12 बजे रात को। तो अभी मैं पैसा निकाल लिया हूँ और जा रहा हूँ वहीं पे। अभी खुले ही होगा वो टेटर लोग, चाहे कोई भी 3 बजे तक 4 बजे तक खुले रहते हैं। तो अभी मैं जाके दे देता हूँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूँ उनको। तो टेलर दुकान बंद कर रहे हैं, चलो जल्दी से दे देते हैं उनका पैसा। देखो टाइम से ही पहुंचा मैं, अभी बंद करके जा ही रहे थे। देखो बाहर ही खड़े हैं। ठीक है, सलाम अलैकुम। हाँ क्या है? तो चलो दे दिया मैं उनका 60 रियाल, वो भी बंक करके जा ही रहे थे। चलो टाइम से पहुंच गया मैं। अब दिन भर कल मैं सोया रहूँगा, टाइम मिलेगा नहीं, फिर वही मगरिब में भाग दौड़, फिर यही रात के दिन ड्यूटी, लोगों को इंतज़ार कराना क्या फ़ायदा, ये 2 बजे बंक कर देते हैं। तो चलो अभी 2:16 हो रहा है, मैं इधर आ गया अपने रूम पे। अब मैं 3:30 जब चावल बनाने उठूँगा तो मैं अपने लोगों से मिलता हूँ। तो अभी 3:37 हो रहा है, ये मैंने चावल रख दिया है चावल बनने के लिए। चावल बन जाए तो फिर अभी अपना सहरी करेंगे। तो 3:49 हो रहा है, मैं अपना खाना निकाल लिया। तो चलो दोस्तों अभी मैं सहरी करने जा रहा हूँ, आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो। तो चलो मैं आप लोगों से अब मिलता हूँ सीधे सुबह में। हाँ तो दोस्तों दोपहर के अभी 3 बज रहा है, और अभी अभी कफील की वाइफ का फ़ोन आया था कि यहाँ शहजाद बकाले में जाओ और वहाँ से 2 ट्रे अंडा लेना है, और बाकी मुर्गी भी लेना है। तो मुर्गी लेने के लिए जाना पड़ेगा उधर बरजान में, बरजान मार्केट। तो चलो पहले इधर ही से रास्ते से ले लूँगा अंडा, और फिर उसके बाद चलेंगे बरजान में। देखो अंडा और मुर्गी मिला के मेरे को लग रहा है 200 के ऊपर का खर्चा है, और मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं। देखेंगे कितने का खर्चा हो रहा है, अगर पैसा कम पड़ेगा तो फिर कफील को मैं फ़ोन करके बोलूँगा कि अभी पैसा भेज, तो लेता हूँ मैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो देखो अभी 2:55 हो रहा है, चलो निकलता हूँ मैं। तो ये आ गया मैं इधर शहजाद सुपरमार्केट में, चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे तो ये लोग मुर्गी महंगा महंगा देते हैं, जहाँ पे अगर 9 रियाल कहीं मिलेगा तो यहाँ पे 10 रियाल में देते हैं, 1 रियाल ज़्यादा ही लेते हैं ये लोग। अब देखो ये 800 ग्राम का है और ये 16 रियाल का, जो कि मैं वहाँ से लेके जाता हूँ इंताज, वो रहता है 1100 ग्राम 16.5 रियाल का। तो यहाँ से सिर्फ मैं अंडा ले लेता हूँ और फिर मैं चलता हूँ उधर वो बरजान मार्केट में। तो ये 2 ट्रे अंडा ले लिया मैं यहाँ से शहजाद सुपरमार्केट से। अभी 1 रियल कम हुआ है, पहले 16 रियल का मिल रहा था, बरजान में जा रहा हूँ तो अभी 15 रियल का मिल रहा है। देखो सिराज, बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम तो बहुत है असकत के वजह से, कि बाल कटवाने आ नहीं पा रहा हूँ इधर मैं। चलो देखेंगे जब भी टाइम मिले। तो दोस्तों आ गया मैं बरजान में, देखो रहा मुर्गी वगैरह का दुकान, चलो चल के वहाँ पे पूछते हैं क्या रेट चल रहा है, कौन सा मुर्गी का। अंडा यहाँ पे भी है मगर वो हायल का अंडा नहीं है, हायल कंपनी का इन लोगों का अंडा चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को चलो चल के दिखाता हूँ कौन सा कंपनी का अंडा है। तो देखो ये अलियम मुर्गी है, बाकी ये रहा अंडा, देखो इस पर कंपनी का नाम लिखा ही नहीं है, ये छोटा छोटा रहता है, मिलेगा सेम ही रेट में मगर छोटा छोटा रहेगा। तो ये ले रहा हूँ मैं 10 पीस तानमिया का, 1100 ग्राम है, तानमिया कंपनी, 16.5 रियाल का 1 पीस है, तो 165 रियाल का पड़ा। तभी मैं फ़ोन करके बोला हूँ कि पैसा भेज, 165 रियाल नहीं है मेरे पास।
तो मैं मुर्गी लेके आ गया, बाकी मैं चेक कर रहा था कि खराब वगैरह तो नहीं ना है। देखो ये इसके अंदर मंदिल रहता है पानी सोखने के लिए, बाकी एक्सपायरी डेट देख लिया मैं। देखो 5 अप्रैल 2024 तक अभी चले गई है, तो बहुत टाइम है, तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अभी चलता हूँ मैं कफिल के घर पे ये दोनों पहुँचाने। देखो 3:30 हो गया। तो दोस्तों लेके आ गया मैं ये अंडा और मुर्गी कफिल के घर पे, चलो चल के दे देता हूँ मैं। तो 3:44 हो रहा है, तो चलो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ रूम पे। तो आ गया मैं रूम पे, अब चलो मैं आप लोगों को मिलता हूँ, कोई ड्यूटी आएगा तब, नहीं तो जब मैं निकलूँगा इफ्तारी के लिए तब। तो दोस्तों 5:38 हो रहा है और अभी कफील के वाइफ फ़ोन करके घर पे बुलाई है, देखो क्या काम है, कोई सामान पहुँचाना होगा कहीं पे, इसीलिए बुलाई है। तो चलो चल के देखते हैं, और हो सके तो आज मैं इधर ही मस्जिद में ट्राई करूँगा कि यहाँ पे कैसा इफ्तारी होता है। आज मैं नहीं जाऊँगा उधर जमील की तरफ, अगर उधर ही के साइड में कोई, देखो 5:38 हो रहा है, अगर उधर ही के साइड में कहीं पे वो सामान पहुँचाना होगा तो उधर ही के मस्जिद में बैठ जाऊँगा, अगर कहीं इधर उधर आना होगा तो फिर टेंट में जाऊँगा। आज मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मस्जिद में कैसा मिलता है और क्या क्या मिलता है। मान लो आप लोगों को 17-18 दिन से एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ टेंट का, थोड़ा नया नया चीज़ आप लोग को भी देखने को मिले कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, कहाँ पे कैसा चीज़ मिल रहा है, और अपने को भी अलग होटल से खबसा खाने को मिले। मान लो ये जो टेंट में हम लोग जा रहे हैं वो एक ही होटल से आ रहा है और एक ही किस्म का डेली आ रहा है, तो 17-18 दिन से एक ही किस्म का खा रहे हैं, तो वो तो ट्राई हो गया। बाकी अगर इधर कहीं पहुंचाना होगा आसपास में ही, तो आज इसी मस्जिद में बैठ के मैं कर लूँगा। तो मैं इधर आ गया हूँ कफिल के घर पे, अभी मिस कॉल मारा हूँ, देखो क्या काम है। बाकी ये बैंक वाली मैडम रिकॉर्डिंग भेजी है कि इधर एक वो जो नहीं है, जो जहाँ पे मिलता है खबूस, वो तंदूरी वाला रोटी, तो वहीं पे जाके तंदूरी रोटी लेके आना है। पता नहीं ये घर पे क्यों इसलिए बुलाई है। तो ये दी है और ये पहुँचाना है यहीं पे, ये जो मदरसे में जाती है मैडम, तो मदरसा का जो सदीक है इसकी दोस्त है उसके घर पे। बाकी यहाँ से फिर ये दे के मैं वहाँ जाऊँगा वो मार्केट में जहाँ पे वो मिलता है तंदूरी रोटी, और आज मैं यहीं पे इधर ही मदरसे में ही बैठ के मैं अपना इफ्तारी करूँगा। देखो इसी मदरसे में बैठ के इफ्तारी करूँगा मैं। इस मस्जिद का नाम है अल राशिद मस्जिद, और किसी दिन अलराजी में भी जाऊँगा। अलराजी बड़ा वाला मस्जिद है जहाँ पे मैं 2022 का ईद का नमाज पढ़ने गया था, उसका वीडियो है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पे देना है तो इसको दे देता हूँ मैं। तो देखो और है सलीम भाई इधर से जा रहे हैं, लगता है अल हसून में काम करने लगे हैं क्या। तो आ गया मैं, ये रहा ऐस अल बलदी, वहाँ पे पार्किंग नहीं था तो मैं यहीं पे लगा दिया। चलो चलते हैं, 4 रोटी मंगाई है। तो देखो ये 4 चाहिए, अभी 2 हुआ है, 2 और बन रहा है, अभी बनने के बाद फिर ले जाएंगे। तो चलो दोस्तों ले लिया मैं, बाकी देख रहे हो आप 6:02 हो गया अभी, तो ऐसे भी आज मैं उधर जा ही नहीं पाऊँगा, तो आज इधर ही मस्जिद में कर लूँगा मैं। इधर इस एरिया में बहुत ही जगह पे इफ्तारी हो रहा है, मैं अभी इधर आता हूँ ये रोटी पहुँचा के, वहीं पे रोटी पहुँचाना है, फिर वहाँ से फिर इधर आना है, और कफील अपना इफ्तारी करने के बाद नमाज पढ़ने यहीं पे आता है, तो हो सकता है वो मुझे देख ले आज कि यहाँ पे बैठ के इफ्तारी कर रहा है। और जहाँ पे मैं ये रोटी लेने गया था वहाँ पे भी एक मस्जिद में हो रहा था। इस एरिया में बहुत जगह हो रहा है, बस यही है कि हमारे एरिया में उतना नहीं होता है जो अलबादिया में है।
तो 6:07 हो रहा है, मैं इधर पहुंच गया अभी कफील के घर पे। 10 मिनट अगर मैं यहाँ से निकलूँ तो 10-15 मिनट लगेगा जाने में, तो हो सकता है 25 तक या फिर 20 तक उधर मैं पहुँचूँ टेंट में। छोड़ो आज क्या फ़ायदा भाग दौड़ करने का, आराम से यहीं पे जाके बैठ जाते हैं। इसमें क्या है कि भाग के जाना पड़ेगा वहाँ पे उतना दूर। तो अभी मैं जमील के पास रिकॉर्डिंग भेजा था, तो देखो जमील भी क्या रिकॉर्डिंग भेजा है, आप लोग सुनो। हाँ मुराद, आज मैं भी उधर नहीं आएगा, मैं दोस्त के यहाँ दावत है, दोस्त के यहाँ पार्टी है, ठीक है, मैं भी उधर नहीं आएगा आज, ठीक है। तो आप लोगों ने सुन लिया, ये रिकॉर्डिंग भेजा है जमील कि वो भी नहीं आएगा टेंट में, तो अच्छा ही हुआ मैं डिसाइड कर लिया इधर रहने का, नहीं तो मैं भाग के जाता, फिर वो लोग नहीं आते तो फिर वैसे भी मैं अकेले ही करता, तो अकेले ही करना है तो यहीं पे बैठ के कर लेते हैं। तो देखो 6:07 पे मैं था कफील के घर के बाहर, 6:10 पे मैं इधर पहुंच गया, सब लोग बैठ गए हैं। चलो अपन भी यहाँ पे गाड़ी लगा के बैठ जाते हैं जाके। ओ गाड़ी लगाया मैंने, तो ये है यहाँ पे शोरबा, चावल, जूस, पानी, खजूर, सब लोग बैठ गए हैं। तो अभी 6:24 हो रहा है, तो ये चावल है। तो चलो दोस्तों, इफ्तारी और नमाज दोनों हो गया, बाकी देखो वो वाला गाड़ी, ये जो अभी बैक निकल रहा है ये कफील के लड़के का है। कफील और उसका लड़का आए थे नमाज पढ़ने के लिए, पता नहीं मुझे देखे थे कि नहीं, मैंने तो उन लोगों को देखा था। चलो चलता हूँ मैं अब रूम पे। और सेम ही था जो उधर टेंट में रहता है, चावल, एक जूस, दो पानी, खजूर और शोरबा, बाकी एक वहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है, दो समोसा मिलता है, तो वो समोसा यहाँ पे नहीं मिला था बस, बाकी सब सेम ही मिला था। और यहाँ के मुर्गी में थोड़ा मसाला वगैरह लगा था, थोड़ा इंडियन स्टाइल में बना था। तो चलो आज मैडम के मदरसे में भी इफ्तारी कर लिया मैं। मैडम के मदरसे में इतने सालों से मैडम को मैं छोड़ रहा हूँ, आज मैं वहाँ पे इफ्तारी भी कर लिया। चलो तो आ गया मैं रूम पे, और देखो ये कौन बेवकूफ़ है कि ऐसे गाड़ी लगा रखा है। तो देखो 7:07 हो रहा है, अभी पहुँचा मैं रूम पे, सेम ही टाइम लग गया। वही उधर क्या है, मस्जिद में नमाज हुआ तो नमाज होने में लेट हो गया, तो इसीलिए सेम ही टाइम हो गया। अब यहाँ पे टेंट में जल्दी सा इफ्तारी करके हम लोग बाहर नमाज पढ़ लेते हैं जल्दी सा, और फिर निकल के आ जाते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतनी था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कीजिए जरूर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, वस्सलाम, टेक केयर।